तो जैसा कि नाम से जाहिर है राही, तो हम सब इस धरती के राही हैं और गोल गोल घूम रहे हैं करोड़ों सालों से हमारी कुलिया अंदर मतलब चल ही रहा है सब कुछ। और इन कुछ सालों में जो हुआ है 20-25 सालों में आफ्टर इंटरनेट मोबाइल और कंप्यूटर, तो इंसान गैजेट्स में इतना उलझ गया है कि उसे बेसिक्स नहीं पता है। जैसे कंप्यूटर में सीखने के लिए जैसे कीज के बेसिक्स होते हैं, तो वो बेसिक्स हम भूल गए। कंप्यूटर तो चलाना आ गया है लेकिन बेसिक्स नहीं है। तो बेसिक्स क्या है बेसिकली? जैसा कि मनीषा जी ने बहुत प्यारा लिखा है कि राही तू जरा ठहर के सोच कि क्या कर रहा है तू, कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है। अपने घर के संस्कार से लेकर अपने देश के प्रति जो दायित्व है वो सारे कहाँ तू निभा रहा है। तो ये रुक कर सोचने वाली बात है सबके लिए। दो मिनट में गाने वाले बात करूँगा फिर आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोजेक्ट से जुड़ के। मैं खुद बहुत इस बारे में सोच रहा था इन दिनों कि हम पहले मिलकर प्लान बनाते थे, आज हम मिलने का प्लान बनाते हैं, तो कितना डिफरेंस आ गया है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और बहुत सारी चीज़ें बदल गई लाइफ में। लोग अपने बड़ों का छोटे का सम्मान आदर, आप लोग बात कर लीजिए, मैं बाद में बात करूँगा। में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। हमारे सामने हम लोग किसी को सड़क पे पड़ा हुआ देखते हैं तो हम पास से निकल जाते हैं अपने काम की वजह से कि हम लेट हो रहे हैं। हम किसी की हेल्प करने के लिए रुकते नहीं एक मिनट के लिए भी, चाहे कोई पशु हो चाहे वो कोई जानवर हो। खैर, जो गाने में इन्होंने सब्जेक्ट बताया अपने फैमिली और दोस्तों से हम लोग कट गए हैं, यही है। लेकिन इसके आगे भी बात सेम हम लोग तो रिलेट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है हर जगह है, हर दुनिया के कोने में है। ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, भारत की बात नहीं है, ये हर जगह ऐसा हो रहा है कि माता पिता, दादा दादी, बहन भाई या बाकी के जो रिश्ते हैं उनके मायने लोगों को नहीं पता है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये कि आप ये जो चीज़ें हैं इस गाने के ज़रिए आप याद दिला रहे हैं सबको कि हमें अपना जो बेसिक है उसको याद रखना चाहिए, संस्कार को याद रखना चाहिए और अपनों को उसी तरीके से याद रखना चाहिए, उनके साथ ऐसे पेश आना चाहिए जैसे पहले आते थे। तो रिश्तों का मोल है वो समझना चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं लाइफ में जो भी हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए सारे सिंगर्स कमाल के हैं। यहाँ पर हमारे राजा भाई हैं, आदिल गुरेजी हैं, जान कुमार हैं और एक्ट किया है प्राची ने। तो इन्होंने अकेले ने हम सबसे गवा लिया। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि हम एक सिंगर के लिए एक एक्टर के लिए एक सिंगर काफ़ी होता है, लेकिन ये ऐसे एक्टर हैं कि इन्होंने 10 सिंगरों से गवाया। सर आपने गाया तो मैंने एक्ट किया। और हमारे यहाँ अजय तीसा जी हैं और मनीषा जी ने बहुत अच्छा लगाया, परवेश ने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया है। बाकी आप अगला सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। आई थिंक शाहिद भाई ने काफ़ी जो मुझे कुछ बोलना था शायद मैंने काफ़ी अच्छे से बयां किया है। आई थिंक हमारी लाइफ की गति बहुत जल्दी मतलब बहुत तेज़ गति से बीत रही है ना। एंड ऐसा लगता है कि एक रैट रेस में हम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें माता पिता, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब हम भूल जाते, सब एक ही जगह पे यू नो लगे हुए, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, ये करना है, वो करना है। तो जो बेसिक चीज़ें हम वही भूल चुके हैं। एंड ये गाना आई थिंक हमें वो याद दिलाता है कि आप थोड़ा यू नो जो इम्पोर्टेंट है, जो असली है, जो आपके साथ रहेगा, जब आपका कुछ नहीं होगा तब आपका वही होगा, वो है आपकी फैमिली, आपके माता पिता, आपके करीबी दोस्त। तो वो याद दिलाता है ये गाना। एंड आई थिंक ये तेज़ गति में ये गाना थोड़ा पॉज लगाता है कि आप थोड़ा सोचो कि असली क्या है और यू नो मैटर क्या करता है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से बयां किया है लिरिक्स एंड म्यूज़िक के थ्रू। एंड परिवेश भैया इज़ एन अमेजिंग कंपोज़र, ही इज़ रियली टैलेंटेड। मैम आपने बहुत ही बढ़िया लिखा है। एंड आज के टाइम एंड डेट में ऐसा गाना हम सब जुड़ पाए, मैं बहुत बहुत बड़े बड़े गुणीजनों के साथ, यू नो मैं बहुत छोटा हूँ और मैं बहुत बहुत बड़े बड़े गुणीजनों के साथ मैंने ये प्रोजेक्ट किया, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट एंड आई एम ग्लैड अबाउट इट। और हाँ आई थिंक बाकी आप बाकियों से भी पूछिए। आप कुछ क्या कहेंगे गाने के बारे में? अरे
एक्चुअली जो राही सॉन्ग है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ख़ास है वो, इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ गाने किए हुए हैं, बट वो एक अलग जोन, रोमांटिक सैड जो मार्केट में एक्चुअली चलता है, बट ये थोड़ा अलग है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सर परवेज जी जिन्होंने मुझे चांस दिया। ये आपको लग रहा होगा ये आज का गाना है, बट 3 साल से सर इस पर कंटिन्यूसली एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैंने खुद देखा है, हर बार मैं 2-5 मंथ में सर को याद दिलाता, सर बोल रहे थे अभी और अभी, उनका बहुत सारी चीज़ें ओबियसली होता है, पोस्ट प्रोडक्शन, वीडियो शूट, मतलब जब तक इनको लगा नहीं कि ये अब मतलब लोग इसको देख सकते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट बन गया, तब तक सर ने इसको रिलीज़ नहीं किया। आई एम सो हैप्पी, मुझे तो कभी ऐसा लग रहा था पता नहीं सर रिलीज़ करेंगे नहीं करेंगे तो चलो फाइनली हो गया ये सॉन्ग रिलीज़। ऑनेस्टली इसमें जो कश्मीरी कुछ लाइंस अगर आप सुनेंगे शायद मुझे आप समझ पाए या नहीं पाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मीनिंग उसका, कि शक्ल बासान इंसान सरी इंसानियत निश दूर छी, मतलब शक्ल से हम सब इंसान दिखते हैं लेकिन इंसानियत से हम कोसों दूर हो चुके हैं, दूर है इंसानियत से। शक्ल बासान इंसान सरी इंसानियत निश दूर छी, हैवान लागान इंसान ऐसे बेकूता मगरूर छी, हम इंसान होकर जो हैवान नहीं करते वो हम कर रहे हैं, फिर भी हमें उस चीज़ का एहसास नहीं है। अगर पीछे मुड़ के हम देखेंगे हम कितना बदल चुके हैं। एक बच्चा जब स्टार्टिंग में जब उसका मोम जैसा दिल होता है, वो जब गलती करता है स्टार्टिंग में, तो वो रात को सोता है उसको नींद नहीं आती है, लेकिन हम जब मेच्योर होती है वो गलती हम बार बार करने से हमारा दिल एकदम सख्त पत्थर की तरह बन जाता है। वो वही तो वही चीज़ है, वही चीज़ है, हम इंसानियत खो देते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको एक जेन्युइन, सर ने एक बार कॉल किया था, मैंने इसी सॉन्ग को रिकॉर्डिंग जब कर रहे थे, सर ने बोला बेटा आज नहीं कर सकते हैं तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैंने बोला सर क्या हो गया, तो इनको कुछ एक्चुअली दूसरे दिन मैं चला गया, तो बोला कल बताता हूँ। दूसरे दिन स्टूडियो चले गए, तब पता चला सर एक डॉगी था उनको लेके हॉस्पिटल गए थे। ये ऐसा नहीं सर सॉन्ग बनाते हैं, ऑनेस्टली जनरली मैंने इनको देखा है जैसे रोड साइड डॉग्स की डॉग्स हैं उनके लिए करते हुए, ऑनेस्टली आई एम सेइंग कूडोस टू यू जी। अगर कहेंगे आप गाने के बारे में, मैं मेहमान खुसूसी हूँ, मैं इस गाने का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन असल बात यह है कि परिवेश भाई के साथ मैंने काम किया है, बाकी मेरे दोस्त हैं और जितने यहाँ पे बैठे उन सबको मैं बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि आपने इतने बेहतरीन गाने का आपने इनिशिएटिव किया है, एक साथ आप मिलके आए हैं, कि अल्लाह करे कि ये जिस मकसद से गाना बना है उस मकसद में देखने वाले, सुनने वाले और इनफैक्ट बनाने वाले और जो इसमें काम करने वाले वो सब कामयाब हों, क्योंकि असल चीज़ यही है कि सिर्फ लिख देना या कह देना कोई बड़ी बात नहीं होती, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है, जो परिवेश भाई ने करके दिखाया अकॉर्डिंग टू आदिल। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बंद मुट्ठी बहुत कुछ लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, मैं शाहिद को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये जितना मज़ाक किया है उतना ही ये केयरिंग पर्सन है, उतना ही ये अपने दोस्तों का, उतना ही ये अपने माँ बाप का, अपने परिवार का ख्याल रखता है, बाकी सबको भी मैं जानता हूँ, शाम को मैं काफ़ी जानता हूँ जान को तो अच्छा बोला ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि सिंगर मत बने इसलिए, बट अच्छी बात ये है, मैं बधाई देना चाहूँगा इस गाने के लिरिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गाने की कंपोज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि सच में मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसे ही पार्टी का हिस्सा बनना पड़ा और मुझे यहाँ पे मेहमान खसूसी बना करके बुलाया गया, थैंक यू वेरी मच। मैं परिवेश सर को बहुत सारा थैंक यू कहना करना चाहती हूँ, दैट ही बिलीव्ड इन मी कि मैं इस कैरेक्टर को पुल कर सकती हूँ और इतने सारे बड़े सिंगर्स इस गाने में, आई गेस हिस्ट्री में दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतने सारे सिंगर्स एक ही सॉन्ग में हैं, सो थैंक यू सो मच सर फॉर बिलीविंग इन मी एंड यस द सॉन्ग इज़ वेरी गुड। बाकी सबने बोल ही दिया अबाउट द सॉन्ग और ये सच भी है दैट यू नो स्पेशली इस जनरेशन में लाइक बचपन से ही हम लोग को लैपटॉप्स फ़ोन सब कुछ मिल जाते हैं, तो वो कनेक्टिविटी जो पेरेंट्स के साथ होती है, फैमिली के साथ होती है, वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है बचपन से ही, बट व्हेन यू रियलाइज तब ऐसे लगता है कि ओ शिट बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग, हमने बहुत पीछे छोड़ दिया फैमिली को, सो यस इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड That's it. मनीषा जी ने इतना अच्छा सॉन्ग लिखा है। आपने कहीं भी गाने के बारे में आपका क्या लिखा हुआ गाना है? किस सिंगर ने गाया? सबने जस्टिफाई किया है और जैसा कि हम लोगों ने जब ये लिखना शुरू किया था तो मुझे भाई ने बोला था कि क्या करना है, किस टाइप का इमोशन है इसमें, किस टाइप की फीलिंग्स चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद अपने आस पास ये सब होता देखते रहते हैं,
जो भी कुछ, तो उसने जस्ट अपने इमोशंस बताए तो मैंने लिखने की कोशिश की, फिर वो बहुत उसमें करेक्शंस करते हैं कि इसको ऐसे लिखना है, और उसके बाद जब उसने कंपोज किया तो बहुत अच्छा निकल के आया सॉन्ग, और इतने अच्छे सिंगर्स ने गाया है। तो जितनी भी बार स्टूडियो में कोई भी सुनने आता था तो वो फ़ोन करते थे कि दीदी जो भी सुनता है उसका गला भर आता है जब हम लोग स्टूडियो में बैठ के सुनते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी कंपोजिशन है, प्राउड ऑफ हिम। सर मैं तो बहुत छोटा हूँ इनके सामने, मतलब शाहिद भाई, शान, परवेज जी ने मुझे इस सॉन्ग का हिस्सा किया, यही मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है। मैं नासिक से हूँ, हम जब रिकॉर्ड होने के बाद इसका शूट चल रहा था तो कुछ बातें इगतपुरी में की थी, तो इसके लिए ही तब भी हमको इतने परेशानी आ रही थी, लेकिन परवेज जी कभी इसमें यू नो मीन्स ऑनेस्टली कहूँ कभी बहुत ये हो रहा है ये कम पड़ा वो कम पड़ा, लेकिन अजय भाई अपन ये काम करेंगे और अपने को एक सॉन्ग बड़ा करना है, बस इतना ही उनके दिमाग में था, और हम सब एक दूसरे का साथ देते गए और इस पार्ट का हिस्सा बन गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। परवेज जी अच्छे इंसान है, क्या कहें उनके बारे में? वेरी गुड कंपोजर। ओके ओके। और भी म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया है जी, वर्किंग प्रोसेस कितना अलग है परवेज जी का बाकी म्यूजिक कंपोजर्स से? वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको इस गाने को ग्रैब करने के YouTube से अगर सुन के या लिरिक्स समझ के याद करके बोल देता है जी, बट उसको फील करना, या फिर आपने घंटा पहले किसी को सुनाया हो, या फिर आपने उसका अकेले मनन किया हो, प्रोसेस क्या? प्रोसेस देखिए, मैं तो जब से परवेज जी काम कर रहे हैं उनके बाद ही आए, मेरे से सीनियर हैं काफ़ी, और इतने सुलझे हुए रागदारी इनको जितनी पता है उतनी मुझे भी नहीं पता है, तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने भी मिलता है। जब इनकी कोई भी कॉम्पिटिशन में गाता हूँ तो मैं दो चीज़ें सीख के जाता हूँ उस रिकॉर्डिंग से, और आजकल वो ज़माना नहीं कि घर पर सुनने का मौका हो या कहीं बाहर सुनने का, हम स्टूडियो में जाते हैं वहीं सुनते हैं, वहीं गर्मा गर्म गाते हैं और वहीं रिकॉर्ड हो जाता है। तो इनके गाने में मुझे कभी भी 5 घंटे से पहले छुट्टी नहीं मिली, चाहे वो 2 ही लाइन हो, वो एक कहीं ना कहीं कोमल सुर लगा देते हैं जहाँ पे मुझे 2.5 घंटे तक प्रयास करना ही पड़ता है। तो एंड ऑफ द डे इज़ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी डाउन टू अर्थ, एंड इनके साथ मैं एक जल्दी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिसमें इन्होंने मुझे एक मौका दिया है, तो देखते हैं, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। जान, मेरा सवाल आपसे है कि आजकल के जो जो ट्रेंडिंग गाने हैं उसमें लड़की, पैसा, दारू बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस तरह के लिरिक्स और इस इतनी साफ इंटेंशन से कोई गाना बनाना है, उसको उसको लिखना, उसको आगे प्रमोट करना, कितना अलग है, और इस इसको आगे ले जाने में, ये तो ये इवेंट तो हो ही रहा है, बाकी आपकी तरफ से क्या क्या एक्स्ट्रा एक आने वाला है कि भाई हमको इसको ऐसे भी करेंगे? जैसा मैंने पहले कहा आपको, ये गाने की हमें बहुत ज़रूरत थी अभी, क्योंकि जैसा आपने कहा आजकल के सारे गानों में यू नो एक ही ट्रेंड चल रहा है, एक ही तरीके की यू नो लड़की, दारू, बड़े बड़े यो यो करने वाले, मतलब यू नो, तो आई थिंक दैट दिस सॉन्ग इज़ वेरी डिफरेंट, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हम सब यहाँ पे यू नो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे इसको प्रमोट करने में, बिकॉज बहुत टाइम के बाद एक मैसेज के साथ एक गाना जो बहुत अच्छे कॉज के लिए, जो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम बनती जा रही है सोसाइटी में, जो डिसकनेक्शन हो रहा है पेरेंट्स का बच्चों से और बच्चों का अपने फैमिली से, अपने यू नो जो भी, सो वो चीज़ को टैकल करने के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रिमाइंडर हमारे लिए, ये एक अलार्म है कि आप कुछ चीज़ों को खो रहे हो, बहुत अहम चीज़ों को, उनसे आप वापस जुड़ो, और आई थिंक हम सभी इस चीज़ को कामयाब करने के लिए, बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी पूरी जान डाल देंगे, बिकॉज एज आई सेड काफ़ी टाइम बाद एक मैसेज के साथ एक बहुत प्यारा गाना और इसमें इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी है, एंड आई थिंक जितना हम ग्लैड है कि हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस गाने को समझ पाएंगे आई थिंक वो लोग भी उतने ही ग्लैड होंगे, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़रूरत है याद दिलाने की कि हम क्या खोने वाले हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस सभी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे टू मेक दिस सॉन्ग अ सक्सेस। क्योंकि शानू दा की आवाज़ बहुत हमारे जहन में रची बसी है, हम अपने दिमाग में, और उनको सुनने वाले कई बार उनकी तरह भी गाना शुरू कर देते हैं, तो कितना मुश्किल टास्क होता है, आप अपनी आवाज़ को बहुत मुख्तलिफ रख पाते हैं, या फिर जब कोई गाना दूसरा सवाल से जुड़ा हुआ है, कोई गाना आपको ऑफर होता है गाते हो, क्या आप पापा से डिस्कस करते हो, या आपको लगता है कि नहीं मैं इसको पहले तैयार कर लेता हूँ और रिलीज होने देता हूँ तब सुनाता हूँ? दोनों ही का जवाब दे दीजिए। तो आई थिंक परवेश भैया वुड बी अ गुड
हेल्प यू नो टू आंसर दिस, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो फनी बात ये है कि लाइफ में जब मैंने अपना फर्स्ट डेमो रिकॉर्ड किया था पिच करने के लिए म्यूजिक कंपोजर्स को, मैंने परिवेश भैया के साथ किया था, इन्होंने मुझे रिकॉर्ड किया था और मैं तभी बहुत छोटा था, तभी इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जान यू डोंट साउंड लाइक योर फादर, और आप लोगों ने अगर मेरे सॉन्ग्स जो भी थोड़े बहुत हैं, मैं तो अभी मतलब जिस कदम रख रहा हूँ, बट जितने भी गाने मैंने गाए आपने सुने होंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि मैं अपने पापा जैसा बिल्कुल भी नहीं साउंड करता, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ क्योंकि वो कुमार सानू द कुमार सानू है, उनकी बराबरी करना आई थिंक नामुमकिन है, तो मैं बहुत अपने आप को मतलब ये ब्लेस समझता हूँ कि मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं साउंड करता। एंड रही बात डिस्कशंस की, तो आई थिंक जैसे मेरे पापा ने सब कुछ अपने बलबूते पर यू नो हासिल किया है, उनके लिए कोई गाइड नहीं था, वो किशोर दा रफ़ी साहब इनको सबको सुन के खुद को तैयार करके आए इंडस्ट्री में, वैसे ही मेरे पापा ने मुझे भी वो फ्रीडम दे रखी है एंड वो टास्क दे रखी है कि अगर कोई गाना गाओ तो अपने तरीके से गाओ, ना कि किसी और की तरह मिमिक करके, किसी को मिमिक करके गाओगे तो वो फिर अगर मुझे शाहिद भाई जैसा गाना है तो मैं शाहिद भाई जैसे गाऊंगा तो उससे बेटर तो शाहिद भाई से ही गवा लेंगे ना लोग, ओरिजिनलिटी नहीं है। तो मेरे डैड भी यही बोलते हैं कि जैसे भी गाओ अपने तरीके से गाओ और अपनी आवाज़ को बाहर लाओ ताकि लोग आपके आवाज़ से कनेक्ट कर सके। तो यूजुअली यही होता है कि मैं गाना जब गाता हूँ मैं अपने डैड से कुछ डिस्कशन नहीं करता, आई सिंग अकॉर्डिंग टू हाउ द कंपोजर वॉन्ट्स मी टू सिंग, एंड जब रिलीज़ होता है तब मेरे डैड के फीडबैक्स आते, कभी बहुत ही स्ट्रिक्ट वाले फीडबैक्स भी आते हैं, झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत डांट पड़ चुकी है मुझे, तो वो सब मेरे लिए सीखने का एक यू नो प्रोसेस बन जाता है एंड दैट्स अबाउट इट। साउंड और स्पीच ये दोनों चीजें अलग अलग है, साउंड इनहेंस कर सकते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं और जो जहाँ पे है वो अपनी जगह पे फिट है, ठीक है। अब बात आ जाती है स्पीच की या लिरिक्स की, तो लिरिकली जब गाना अच्छा होता है ना तो हर लाइन आदमी गौर से सुनता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी सिंगर जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है उसने हल्का गाया हो, मुझे नहीं लगता। बिकॉज क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिकॉर्ड करने जाते हैं एज ए म्यूजिशियन जब हम रिकॉर्ड करने जाते हैं तो हमारा ये दायित्व होता है कि हम अपना 100% दे के आए। मुझे नहीं लगता कि 130 करोड़ लोगों में सिंगर बन के पूरे देश में 130 करोड़ की रेस में वो करोड़ लोगों में आ जाना जो सिंगर की रेस में होते हैं। तो आज जो आपके सामने बैठे हैं वो टैप टॉप 100 में से तो होंगे ही, तो इतने लेवल पे आने के बाद ये जजमेंट करना ही नहीं चाहिए कि कौन अच्छा गा रहा है कौन बुरा, बिकॉज दे विल गिव देयर 100%। तो सब ने ही अच्छा किया है। मुझे आदिल की आवाज़ बड़ी अच्छी लगी और शाहिद का मैं पहले से ही फ़ैन हूँ और जान को मैं बचपन से बोल सच्ची बात है जान को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ये सब इतने डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, इतने ज़्यादा मतलब उस काम को लेके वो बहुत ज़्यादा डेडिकेट है कि जिस काम को उनको करना है वो उसमें परिपूर्ण उतरेंगे, 100% अपना देंगे। तो मैं जजमेंटल बन ही नहीं सकता इस जगह, मेरे लिए तो सब ने कमाल किया है। असल कमाल किया है परिवेश भाई ने, जिन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड किया, जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया, बिकॉज इतने सारे सिंगर्स को गवाना हलवा नहीं है, क्योंकि सबका पिच समझना, सबकी रेंज समझना, सबके टोन के अकॉर्डिंगली उसको म्यूजिक बद करना, तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है। म्यूजिक बद एक नया वर्ड है, हाँ वही, उसको म्यूजिक करना कंपोज करना, तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं परिवेश भाई को भी दूंगा इसका श्रेय और लिरिक्स राइटर को भी दूंगा। सो मेरी तरफ से तो बधाइयाँ ही हैं, बधाई मैंने पहले भी कहा था, मैं मेहमान खुसूसी हूँ, मैं इंशाल्लाह पार्ट टू में हूँ बिल्कुल क्योंकि आप सभी लोग परिवेश जी का बार-बार जिक्र कर रहे हैं, उनको भी होना चाहिए। प्लीज उनको एक बार आ जाए कैमरे के सामने आइए, देखिए कि इस गाने की नींव वो कैसे हुई, कैसे थॉट आया कि यही होना चाहिए, क्यों आपने पार्टी नंबर क्यों नहीं बनाया, वो ट्रेंडिंग में चले जा रहा है, शौक नहीं लग रहा बीच में आया, ये होना चाहिए, मतलब उनका इंटेंशन क्या है। इतने सारे सिंगर तो जब राही हम लोगों ने बनाया बेसिकली आई वॉज कीन टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, जिसमें कि हम एक मैसेज दे पाएँ, क्योंकि बाकी गाने तो सब बनते ही रहते हैं, हम लोग भी बनाते रहते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा गाना बनाना था जिसमें हम एज एन आर्टिस्ट हम लोग सब अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो उसके लिए ही हम लोगों ने इसको प्लान किया, मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि कुछ अगर लिख के दे सकती है, एंड शी रोट द सॉन्ग और कंपोज किया,
देन आई स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग ऑल द सिंगर्स, जो मेरे अच्छे सभी पुराने दोस्त हैं, सब अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं. मेरा नंबर बता सो आई आस्क्ड देम और सभी ने एग्री किया, सभी लोगों ने गाया. नोबडी चार्ज्ड, इवन द एक्टर्स प्राची एंड एक मैम और हैं, वो यहाँ पे है नहीं, नोबडी चार्ज्ड. एंड सभी लोगों ने अपना जी जान लगा के सब लोगों ने मेहनत किया इस गाने के लिए. तो यह द सॉन्ग इज हेयर और उसमें एक अच्छा मैसेज है. तो आई होप सॉन्ग अच्छा चले, सभी लोगों को अच्छा चल रहा है, लग रहा है सबको. जी जी जी, कला से बड़ा तो सर कोई माध्यम ही नहीं है बदलाव लाने के लिए. बाकी सब चीज़ें फेल हो जाती हैं, सिर्फ कला ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लोगों के दिमाग पे, दिल पे असर डाल सकते हैं. चाहे आप उसे एक फिल्म बोल लीजिए, एक्टिंग और एक कहानी को पेश करना, या आप एक गाना बोल लीजिए. अगर आप लोग को मालूम हो तो हमारे भारत देश की क्रांति भी वंदे मातरम से स्टार्ट हुई थी, आनंद भट्ट से. तो जिस देश की क्रांति ही एक गाने से स्टार्ट हुई हुई, तो आप समझ सकते हैं कि गाना क्या क्रांति ला सकता है. तो इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम. जान यार, जान. अच्छा हाँ, एक शान भी है इधर, सब जान नहीं है भाई. तो जैसा बनाया, तो क्या लगता है म्यूजिक में भी आपको सेंसर होना चाहिए, क्योंकि जो गाने आते हैं काफी चीप होते हैं, काफी सारे गाने बहुत डिसेंट होते हैं. देखिए, हर चीज़ का फॉर्मेट बदल रहा है. हम किसी चीज़ को चीप या कुछ नहीं कह सकते. आप टेस्ट क्रिकेट को ही देखते, सब 2020 देखते हैं. गाने कोई बड़े बड़े सुनता नहीं, अभी 2 मिनट के गाने हो गए हैं. और अगर हम जो पुराने म्यूजिशियंस हैं, हमारे हिसाब से आज के गाने रद्दी हैं, लेकिन हमारे गाने आजकल के लोगों के हिसाब से रद्दी हैं. तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है. हम लोग बहुत रियाजी लोग हैं. शाहिद को मैं कब उससे जानता हूँ, क्या बात है जान, बचपन से ये लोग, ये सब रियाजी लोग हैं. पर आजकल आई डोंट नो, ट्रेंड सब चेंज हो गया है. उसको सही कहें, गलत कहें, क्या कहें, बट आप लोगों को एक बात बोलूँगा, क्वालिटी तो सर, क्वालिटी ही सर्वाइव करेगी और वो ही दिमाग में ठहरेगी हमेशा. बाकी सब चीज़ें आएंगी, चले जाएंगी. एक कुड़ी हम आज भी, हमें याद है, आज हम शानुदा को हम आज भी याद करते हैं. तो जो चीज़ अच्छी है वो ही ठहरेगी, वो ही रहेगी, बाकी सब चीज़ें आते जाते रहेंगी. ये बात पक्की है. अब उसके लिए हमें से कोई जिम्मेदार नहीं है. हम लोग शायद ट्राई कर रहे हैं, अच्छा करें, वी ऑल आर ट्राइंग. ये अपने आप में एम्प्लॉयमेंट है जी, सबकी जेबें भरनी जी, 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 ऊपर वाले ने इंतजाम किया है, किसी ने नहीं. हम सभी ट्राई कर रहे हैं कि हम अच्छा करें. हम में से कोई भी आई गेस चालू या उस तरह का काम हम में से कोई भी नहीं कर रहा है. हम सब एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन, हम सब ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा करें. शाहिद के बहुत अच्छे अच्छे गाने आए हैं. अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में इनका कुड़मई आया है, जो बहुत फाइनली अच्छा चला है. जान हैज जस्ट साइंड अप विद सारेगामा एंड दे आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. इसको अगर आप, आदिल को अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं. राजा को आप सभी जानते हैं. प्राची इज डूइंग वेरी गुड रोल ऑन कलर्स. अभी शिव शक्ति सीरियल है, उनमें वो गंगा का रोल कर रही हैं. इसके पहले उन्होंने थप किया है, लीड किया है. तो सभी अपना अपना अच्छा ट्राई कर रहे हैं. अजय है जो सालों से क्लासिकल सीख रहे हैं, वेरी क्लोज टू मंगेशकर फैमिली, और इनको क्लासिकल में ही मज़ा आता है. तो हम लोग सब अपना कुछ अच्छा करने का ट्राई कर रहे हैं. वी ऑल आर ट्राइंग, देखते हैं कहाँ हमको किस्मत दे जाती है. ऑनेस्टली बताऊँ, कंपोजर खुजली, यहाँ एक्चुअली क्या है ना, जब कंपोजर के सामने मोस्टली लोग जाते हैं तो हम नहीं बोल पाते हैं कि ऐसा ऐसा. ओब्वियसली उनने पहले उसको ओब्वियसली इतने टाइम से बना रहे होते हैं, उनको पता होता है. बोलते हैं ना, जिसका बच्चा होता है उसी को, उसको उसी का आईडी, उसको सब पता रहता है कि ये कैसा बनेगा आगे. क्योंकि हमें नहीं पता होती है आगे ये एक्सपोर्ट इसका कैसा होगा, फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा. और ये राही सॉन्ग बनाना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि दिस नीड एक्चुअली गट्स. और इसमें वो जो एक एनर्जी चाहिए, जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमें पता है नहीं, आपको खुद पता होगा. आप लोग रील देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, जब हम 15 सेकंड 20 सेकंड का देखते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, तो हम खुश हो जाते हैं. और कोई फनी टाइप का ये कंटेंट कोई प्रमो ओब्वियसली ना तो प्रमोट करते हैं, ना तो ऐसी चीज़ें. इसलिए धीरे धीरे जो क्वालिटी की चीज़ें कम होती जाती हैं इंडिया में, और जो वो चीज़ें ओब्वियसली हर किसी को पैसा एट द एंड कमाना है कहीं ना कहीं से. लेकिन तभी मैं बता रहा हूँ, सर ने ये स्टेप लेके
मुझे लगता है हमेशा के लिए सर का एक ये जो प्रोजेक्ट हमेशा यादगार रहेगा लोगों के लिए, और क्योंकि सोसाइटी के लिए एक मैसेज है, हम अपने आप के लिए, हर कोई अपने आप के लिए यहाँ करता है, कोई जानवर वो भी अपने आप के लिए खाता पीता दौड़ता है, लेकिन लोगों के लिए करना, वो भी ये सोच कर पता नहीं प्रोजेक्ट का कैसा रिजल्ट रहेगा, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। इतने सॉर्टेड हैं परिवेश और लिरिक्स भी, मनीषा जी ने बहुत अच्छे लिखे हैं, बहुत कम जगह थी नुक्ताचीनी करने की, उल्टा मैंने तो कहा कि मैं तो सीख के जाता हूँ इनके प्रोजेक्ट्स में ऑलवेज, तो बस यही होता कि इतने सारे सिंगर्स के बीच में ये होता कि मैं थोड़ा ठीक से गा लूँ वो, क्योंकि सबके बीच में थोड़ा ये होता ना कि उन्होंने इतना अच्छा गाया कहीं मैं ख़राब नहीं गा दूँ, बस वो इतना था, तो कहीं ना कहीं अच्छा गाने की कोशिश की है बस। इन्होंने वो ट्रेंड ही इन्होंने बदल दिया ना, रिवर्स कर दिया इन्होंने, एक ही गाना 10 सिंगर से गवाया और 10 सिंगर्स का ही गाना रिलीज कर दिया इन्होंने, तो मतलब ये भी एक फर्स्ट टाइम आई थिंक हुआ है ना कि मतलब ऐसे हो। तो आपका सवाल एग्जैक्टली मुझे जरा नहीं, आई थिंक नहीं हुई थी, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग परिवेश भैया बहुत क्लियरली हमें पूरी ब्रीफिंग दी गई थी कि क्या एम है इस गाने का और यू नो हमें क्या करना है इस गाने के साथ। एंड जैसे आदिल भाई ने बोला कि उन जिनका बच्चा होता है उन्हें पता है, तो ही एग्जैक्टली न्यू कि कौन से लाइंस किस पर यू नो सूट करेंगे, एंड उस हिसाब से गाया हम। आई थिंक हमने सबने एक साथ ही करी थी ना ए एम से, दो लाइनें ज्यादा गवाई थी वो उनका मतलब एक्स्ट्रा मेरी लाइन आपने गाई है दो। मैंने अच्छा शायद भाई सॉरी यार ये उनको उनके साथ आप पिकअप करो, परवेश भाई आपको जवाब देना पड़ेगा इनको। बट नहीं आई थिंक बहुत स्मूथली किया रिकॉर्डिंग एंड बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से था, ऐसा कोई ईगो का था ही नहीं बैटल, क्योंकि अगर होता तो आई थिंक ये गाना रिलीज ही नहीं होता। जैसे अलग अलग बुला के रिकॉर्ड किया। नहीं नहीं मुझे तो अच्छा ये मेरे को नहीं पता, देखो वीआईपी लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, देखो वीआईपी लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, अभी डेब्यूटेंट्स को मतलब उतनी इज्जत नहीं दी जा रही। परवेश भाई आपका बिल फट रहा है। ये गाना ह्यूमैनिटी का है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि वो सारे के सारे सिंगर एक साथ गा रहे हैं, बड़ी बात तो ये है। तो हम लोग अगर राही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके पीछे ये भी है कि हम भी इंसानियत ही चाहते हैं और ये मैसेज इस गाने का है ना। ट्रू, वेरी ट्रू। और इतना बड़ा सॉन्ग है, मतलब इट्स 10 सिंगर ने गाया है ये गाने को, तो उनके उनको अग्री करके यू नो करवाना ये प्रोजेक्ट, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक परवेश भैया हैज डन अ रियली गुड जॉब, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतने लोगों को अग्री करवाओ कि आपको सिर्फ 2-3 लाइंस गाने, एंड पीपल हैव कम बिकॉज ही इज़ अ गुड ह्यूमन बींग, बिकॉज ये इतने अच्छे इंसान खुद है। और ये जैसे इन्होंने बोला यू नो ये अपना सोशल काम भी बहुत करते हैं लेकिन बताते नहीं किसी को, प्रचार नहीं करते। आई थिंक उस अच्छाई की वजह से हम सब ने एक साथ इनो इतने स्मूथली ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। लिया क्या कभी बाटी थोड़ी खुशी थोड़ा प्यार बांटा क्या, क्या कभी बाटी थोड़ी हंसी राही पर नमत हंसा, क्या बन गया राही रुके देख लेना। नहीं
मेरे को हमेशा परिवेश सर ने यही बताया कि ये गाना उनके बहुत क्लोज है और वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे कलाकार एक साथ आकर कुछ डिफरेंट बनाए जो आज तक आई थिंक ये हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है कि एक गाने में एक साथ इतने सारे सिंगर्स हैं. सो ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट विच इज अमेजिंग. एक कॉज के लिए एक सीख भी है. यस यस यस. सो राही बहुत ही एक ब्यूटीफुल मैसेज पोर्ट्रे करता है जैसे कि अभी आजकल की जनरेशन के बारे में हम बात करेंगे. सो यू नो अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो लाइक बचपन में आई वॉज कनेक्टेड टू माई फैमिली लेकिन ऐसे थोड़े वो होते हैं ना चिड़चिड़े कि हाँ ठीक है मम्मी हाँ ठीक है ऐसे. बट एज सून एज आई वेंट अवे फ्रॉम माई होम आई वॉज लाइक मम्मी चाहिए. लेकिन एक एक्चुअल वैल्यू जो होती है फैमिली की वो रियलाइज हुई एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है कि हम अपने फ्रेंड्स में बाकी बाहर वाले लोगों में इतना घुल मिल जाते हैं वो अपनी फैमिली को नीचे छोड़ देते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इस टाइप के वीडियोज या मैसेज वाला कुछ कॉन्टेंट आया भी नहीं है. सो या इट्स अमेजिंग. आई डोंट थिंक सो कि हम लोग सिर्फ फोन को इस चीज़ के लिए ब्लेम कर सकते हैं बिकॉज आई नो कुछ फैमिलीज ऐसी अभी हैं जो अपने बच्चों को फोन बिल्कुल अलाउ नहीं करती है. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टाइम लाइक हमारी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा जैसे हम सब भी बोलते हैं कि लाइक किस ग्रुप में आप बड़े होते हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है इसके नॉट ओनली फोन फॉर श्योर. राही के अलावा मैं भी फिलहाल शिव शक्ति शो कर रही हूँ एंड समथिंग बिग इज़ कमिंग सून वो आप लोगों को पता चल जाएगा. बाकी परिवेश सर के साथ भी हम मैंने एक वेब सीरीज की है नाइट स्कूल करके. आई एम श्योर सर बताइए कब रिलीज हो रही है. ईगरली वेटिंग फॉर इट्स कमिंग ऑन अमेज़न. सिंगर्स को उसने जगह दी. ये देखो गाने में क्या है ना एक सूत्रधार वाला एक एलिमेंट होता है. वॉइस इज द हीरो ऑफ द सॉन्ग बोलते हैं. ठीक है अब एक वॉइस से जब दूसरे वॉइस में जब शिफ्ट करता है. जब बैंड वॉइस की एक एग्जांपल दे दूं हम लोग चार लोग झगड़ा करते थे कि मैं ये गाऊंगा मैं वो गाऊंगा फिर ये गाएगा फिर वो गाएगा. बट ये भाई साहब ने मतलब एक ने 20 सिंगर्स को बिठा दिए कैसे कैसे और सबको जगह दिया है. सो एक रिले रेस देखा होगा आपने जहाँ पे मतलब एक बंदा 100 मीटर तक भागता है फिर बाद में दूसरे को बटाव देता है फिर वो आगे भागता है फिर दूसरे को देता है. इट्स कॉल्ड पासिंग द बटाव. ये बहुत मुश्किल काम है अगर मतलब तीन चार सिंगर हो. अगर 20 हो और वो अच्छा सुनाई देता है इतना तो ये बहुत बड़ी बात है. तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ ताली बजाइए. इट्स अ बिग थिंग. कंग्रेचुलेशन टू यू सर. सो आई थिंक फ्रॉम दैट एस्पेक्ट एंड द सॉन्ग इज़ वेरी सोलफुल. मैं 200% बोलता हूँ ये हम लोग ने काफ़ी टाइम पहले रिकॉर्ड किया था हमको पता है लेकिन ये वन लिसन में हम लोग सबको याद आ गया. राइट. और ये आप लोग जब तक अभी अगला गाना सुनते हैं ऐसा कुछ और तब तक आप लोग को ये याद रहेगा इतना तो हम बोल सकते हैं. सो कंग्रेचुलेशन टू यू सर. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस गाने का पार्ट बनकर. और परिवेश जी जो कि म्यूज़िक कंपोज़र हैं इस गाने के उन्हें मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ और उनकी कॉम्पोजिशंस मतलब मैंने इतनी सारी कॉम्पोजिशंस गाई हैं और सारी कंपोजिशंस ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं. सुनने में लगता है कि बहुत ईजी है गा लेंगे लेकिन जब गाने जाते हैं तो इट्स वेरी टफ. एंड दिस सॉन्ग राही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतने अमेजिंग सिंगर्स के साथ एक कोलैबोरेशन करने का मौका मिला. सो थैंक्स टू परिवेश जी और इतना ब्यूटीफुली लिखा है मनीषा मलिक ने. सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम ऑफ राही. Also, we'd like to thank our label who is responsible for putting this whole thing, D-Series. Yeah, D-Series, right? Of course. you must know this. I mean, though it's Parivesh has a film background, Parivesh has an ad film background, Parivesh is part of a lot of things in life, okay? But this song is very indie. Yes, right. Okay, and I salute you for writing a song which has got, and especially to you, all right, for writing a song which has got such a beautiful indie thread. Yeah, right. Thank you. Right.